धान का जब फूल आता होगा तब फूल के अवस्था में जो कीट का प्रकोप शुरू होता है वो किशन भाई को बहुत बढ़िया से मालूम है वो है गांधी कीट क्योंकि ये गंध फैलाता है तो ये फूल की अवस्था में शुरू होता है और कैसे ये नुकसान पहुंचाता है मैं एक पैनिकल को देखूंगा, और इसमें आप देखेंगे बढ़िया से तो ये देखा जा सकता है कि ये पूरा पैनिकल सूख नहीं गया है पैनिकल का लगभग लगभग आधा जो बीज है वो चैफ़ी हो गया वो पूरा सूख गया है और इसमें आ, ब्राउन कलर का भूरा रंग का धब्बा भी है इसका मतलब है ये गांधी बाग ने उसका स्टाइलेट को घुसा के इसके अंदर से जो मिल्क होता है वो मिल्क को चूस के खा गया है तो इसके कारण ये ये जो बीज है ये खोखला हो गया लेकिन कुछ बीज जो है वो खोखला नहीं हुआ है यही इसका एक सिम्टम होता है कि ये पैनिकल गांधी से ग्रसित है गांधीबाग किट का जो शिशु और वयस्क दोनों ही क्षति करते हैं मतलब उनका क्षति करने का जो तरीका है वो सेम है दोनों के पास स्टाइलेट रहता है और उसको घुसा के वो अंदर का जो रस है वो चूस के खा जाते हैं तो या इसके कारण ही ये खोखलापन जो है नज़र आ रहा है वो होता है तो अब प्रश्न है कि कैसे हम इस गांधीबाग कीट से बचाव कर सकते हैं धान को अपने धान को मेढ पे जो घास दिख रहा है उस घास जो है जब फूल नहीं रहता है धान का फूल नहीं आया बालू नहीं आया तब ये गांधीबाग उसमें रहता है उसमें उसका रिप्रोडक्शन चलता है उसका जीवन चक्र चलता है तो हम अगर मेड़ को साफ कर दे बढ़िया से तो इस कीट को बहुत हद तक हम लोग कम कर सकते हैं।